इंदौर के नेहरू स्टेडियम में 9 नवंबर को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 5000 मातृशक्ति तलवारबाजी का प्रदर्शन करेगी, जिसमें 12 से 15 आयु वर्ग की महिलाएं शामिल होंगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहेंगे। सर, आयोजन तो अपने इंदौर की बहन बेटियों के लिए, मातृशक्तियों के लिए है, क्योंकि देखा गया है कि जहाँ जहाँ हमने देखा है कि मैडम ने जैसे बताया कि निर्भया हत्याकांड हो गया, ऐसे बहुत सारे बहन बेटियों के संग हमारा अत्याचार हो रहा है, उसके देखते हुए अनमोल मुस्कान बेहतर सोसाइटी एक बहुत अच्छी पहल लेके आई है कि हमारी घर की बेटी, घर की बहन, घर की माता कैसे मजबूत हो, उसके लिए हमने सभी बहन बेटियों को तलवार सिखाई है। साथ ही साथ इंदौर के अंदर पहली बार ऐसा देखा गया है कि एक सेंटर चालू किया था एक महीने पहले, वो 40 सेंटर चालू हो गए, और पहली बार देखा गया है कि माता पिता खुद अपनी बेटियों को लेकर तलवार सिखाने के लेकर, खुद माता बहनें अपनी नौकरी छोड़कर, काम छोड़कर, बिजनेस छोड़कर तलवार सीखने आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी मातृशक्ति मजबूत हो रही है, और मातृशक्ति ने ऐसा बीड़ा उठा लिया है कि पूरे शहर के अंदर ये आवाज़ गूंज गई है कि पूरा परिवार सहित इसको सीखना चाहता है। और इस कार्यक्रम के अंदर में बहुत अच्छी बात यह भी है कि माननीय मुख्यमंत्री ने समय दिया है कि मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माताओं का आशीर्वाद लेने में बीच में 9 नवंबर को आ रहा हूँ। और जब उनको पता लगा कि इंदौर के अंदर स्वच्छता अभियान से लेकर 51 लाख पौधे से लेकर पहली बार माँ अहिल्या की पावन नगरी में जब देखा जाए कि ऐसा आयोजन और ऐसा अद्भुत अभियान किसी ने किया है, और मुख्यमंत्री जी ने इसका पूरा बीड़ा उठाया है, उनने पूरा सहयोग भी दिया है, और जितने हमारी बहन बेटे आप सामने देख रहे हो सब सीखने के लिए पहली, अभी आप ये दूसरा दिन है इनका, मतलब हमने एक पेपर में एड लगा के यहाँ भी सिखाएंगे हम रेलवे स्टेडियम के अंदर, तो बहनें यहाँ भी कम से 100-200 बहनें यहाँ पर आ गई हैं, तो बहुत एक गुस्सा, एक चिंगारी से लेकर ज्वालामुखी का रूप दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे मुख्यमंत्री मोहन, डॉक्टर मोहन यादव जी का, और जितने हमारे इंदौर के विधायक, सांसद का, ये भी लोगों का काफ़ी सहयोग मिला है हम लोगों को। ये पहला अभियान है हमारा जिसमें 5000 बालिका एक साथ एक जगह पर तलवार का प्रदर्शन करेंगी। साथ ही साथ नेहरू स्टेडियम के अंदर कम से 10 से 15 हज़ार बालिकाएँ, महिलाएं, खुद सब परिवार इसमें आ रही हैं। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है हमारे इंदौर के लिए, एक अभियान के रूप में हम कुछ लगातार चलाएंगे। और जैसे मैं बताना चाहता हूं कि ये कोई बूंद बूंद से घड़ा भराता है, लेकिन ये जब मातृशक्ति का ऐसा बीड़ा उठाया है मुस्कान भारती जी ने, हमारे भाई मानसिंह जी ने, कमल यादव जी ने, सुरेश पिंगले जी ने, ऐसे हमारी पूरी आयोजन समिति, पूरी मातृशक्ति 100-200 महिलाएं इसके अंदर लगी हुई हैं, मैं इनका सभी का धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ मेरे मीडिया वाले मेरे सामने खड़े हैं, अगर आपका सहयोग नहीं रहेगा तो निश्चित ही घर घर तक नहीं पहुँचेगा, गांव गांव तक नहीं पहुँचेगा, टीवी तक नहीं पहुँचेगा, तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। इससे ऐसा लगता है कि मीडिया खुद इसमें रुचि ले रहा है कि अपने इंदौर के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारी बहन बेटी शारीरिक रूप से मजबूत भी हो रही है, खुद अपनी आत्मरक्षा करने के लिए तलवार भी सीख रही है, डिफेंस भी कर रही है, और ये लगातार चलता रहेगा। आप सभी को लोगों के माध्यम से निश्चित ही हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। 9 नवंबर को सुबह 10 बजे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, मां शक्ति का हौसला बनाने के लिए सीएम मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, और आप सभी यहाँ पर आए, आप सभी ने सम्मान दिया, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं राकेश यादव, पूर्व जिला परिषद, भारतीय जनता पार्टी।